हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर के आए हैं। हम काले चने की सब्जी बनाने वाले हैं। काले चने बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो चलिए देखते हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो काले वाले चने हैं, इनको कोई छोले भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इनको मैंने एक कप काले चनों को रात भर मैंने भिगो करके रख दिया है। ये भीगने के बाद देखिए अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। तो चने मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ये छोटे वाले चने हैं, इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में इनकी हम 5-6 सीटी लगा करके ले लेंगे, और तो फिर इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में देखिए, मैंने यहाँ पर ये काले चने इसमें मैं डाल दे रही हूँ। इनको मैंने 6 घंटे कम से कम पानी में भिगा करके ले लिया है। आपको अगर रात को बनाना है तो दिन में भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने छील के और ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया है। ये आलू डालने से इसके ग्रेवी की थिकनेस थोड़ी क्रीमी बन जाती है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब चने के ऊपर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, इतना पानी डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर नमक भी डालेंगे, ताकि चने हमारे अंदर तक सॉल्टी हो जाए और जल्दी से कुक भी हो जाए। हम कोई भी सोडा नहीं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम 1 सीटी फुल गैस पर, और उसके बाद 5-6 सीटी हम स्लो गैस पर इसको लेंगे। जब तक चने होते हैं तब तक मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ली थोड़ी सी दालचीनी, लौंग ली है 5-6, 2 बड़ी इलायची ली है, 3 छोटी इलायची ली है, जीरा, थोड़े काली मिर्च के दाने हैं, ये जावित्री है, और ये थोड़ा सा चक्रफूल मैंने लिया है। यहाँ पर थोड़े मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची ली है। यहाँ 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और तो ये 1 मिर्ची है और लहसुन है, और 1 इस प्याज को हम तड़के में डालेंगे, बाकी सबका हम ग्रेवी बना करके तैयार करेंगे, पीस लेंगे इनको हम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है मसाला बनाने के लिए। चने हमारे एक साइड में हो गए हैं, उनको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग। हींग खाने में यूज़ करना अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिए हैं तेज़पत्ते, और क्योंकि चने में थोड़ा सा गैस बनने की रहती है डर, तो इसलिए हींग डालना ज़रूरी है खाने में। और यहाँ पर देखिए, मैंने डाल दिया है 1 प्याज, रफली ऐसे चॉप किया है मैंने इसको, लंबा लंबा ही, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और इसको हम थोड़ा गोल्डन होने तक इसको हम भून लेंगे, साथ में हमारा तेज़पत्ता भी भून जा रहा है। और जब तक प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें दूसरे मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो प्याज को हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 प्याज हमने इसकी ग्रेवी के लिए पीस लिए हैं, प्यूरी बना ली है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची की। और यहाँ पर 1 प्याज को हमने देखिए इस तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। फ्रेंड्स, ये काले चने बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो कभी कभी हमें इन काले चनों की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो करके सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया का पाउडर, और इसमें हम डालेंगे गरम मसाले तो हमने पीस रखे हैं, थोड़ा सा इसको भून करके, और जो हमने यहाँ पर पेस्ट बना करके रखा है टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची का, और इसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि गरम मसाले हमने अच्छे मसाले पीस लिए हैं, तो ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे मसालों को पकने के लिए, और इसके साथ ही इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसको हम थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमने चनों में भी नमक डाला है उबलने के टाइम, तो हिसाब से नमक ध्यान से डालें। तो इसको हम ढक देते हैं थोड़ा सा, जब मसाला हमारा पकने जैसा हो जाएगा, जब तक कि मसालों से तेल न छूटने लगे, तब तक हम इस मसाले को बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये, बहुत ही खाने के फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस कर देता है ये कसूरी मेथी का फ्लेवर। अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालें, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और यहाँ पर चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब ये जो आलू बड़े बड़े दिख रहे हैं, इनको हम इस तरह से थोड़ा दबा करके इसमें मैश कर लेंगे। आलू इसमें दिखेंगे नहीं, लेकिन आलू डालने से इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक सी बन जाती है, बहुत क्रीमी सी बनती है। यहाँ मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, इन्होंने तेल छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं।
और मसाले कभी भी स्लो गैस पर ही पकाएं, तेज़ गैस पे नहीं पकाएं। अब हम इसमें अच्छे से इसको चलाते हुए इसमें हमने जो चने उबाल करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसका पानी भी हम डाल देंगे। हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, चनों के ऊपर बस थोड़ा सा पानी था, तो हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इससे। और अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी ऊपर से उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद इस तरह से आलू इसमें सारे मैश कर दीजिए, बिल्कुल भी वो दिखते नहीं हैं, सिर्फ चने की जो ग्रेवी है बहुत ठीक हो जाती है। और अब हम इसको थोड़ा सा ढक कर के मसाला और चना एक साथ में थोड़े टाइम तक पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर भी चने में पूरी तरह से समा जाए। तो ये देखिए बहुत ही थिक सी, बहुत ही टेस्टी सी ये सब्जी बन करके रेडी हो गई है। और चने तो सबको पता है कि इसमें बहुत ही विटामिन B12 होता है, बहुत ही प्रोटीन होता है, तो चने को हमको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है बिल्कुल हमारी ग्रेवी का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही देखने में ही कितनी ये अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, ये चने की रेसिपी को आप ज़रूर से बना करके देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके साथ आप पूड़ी, पराठे, चावल किसी भी के साथ आप खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसको बना करके इंजॉय कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।